तो आज फिर मैं भारती जी के केबिन में हूँ और इस बार मेरा सवाल कुछ अलग है। इससे पहले सवाल था वो उससे आगे बढ़कर है कि चर्चा ये हो रही है ट्रेड में, कुछ लोगों का मानना ये है कि भारती जी तमाम एग्जीबिटरों से ये कह रही है कि अभी प्रणव जाके जो फिल्म है वो तो बनी नहीं है, वो कहाँ आएगी। इस तरह की बातें वे या इनकी तरफ से कोई कह रहा है, तो इस पर मैं जानना चाहूंगी आप क्या कहेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पहला तो मेरा ये जवाब आपके लिए ये रहेगा ताबिर भाई, इसमें कोई ऐसा सवाल जवाब करने का कोई वो नहीं है। ये तो एक दूसरे के खिलाफ रंजिश हो गई कि भाई तुमने, मतलब ये प्रोफेशनली बातें नहीं है कि तुमने ये बोला भाई तो तुम ये बोले तो तुम ऐसा क्लियर करो, तुमने मेरे को रे बोला तो मैंने तुमको बे बोला, तो ये ऐसी वाली बातें हो गई। ठीक है, दूसरी बात, मैंने किसी भी सिनेमा वालों से अभी तक एक भी बात नहीं की है, या मुझे नहीं लगता कि लाभांश ने भी ऐसी बात की होगी किसी से भी, क्योंकि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पिक्चर बने ना बने, कंप्लीट है ना है ना, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुझे अपना काम देखना है। अभी तो मैं भभूस की पिक्चर शूटिंग से अभी आई हूँ, मेरे पास एक बात बताइए, शूटिंग का कितना बड़ा हैक्टिक रहता है, और ये जा जा करके मैं उन लोगों से कॉल करके बातें करूंगी कि भाई ऐसा हो गया, भाई ऐसा हो गया, तो ये ना दोगलापंती वाली जो बातें जो भी कोई बोल रहा होगा, मैं इतना तो बोल सकती हूँ कि ये झाजी की बातें नहीं होंगी, मैं जितना उनको जानती हूँ। बट ये जो बाकी के जो कॉन्ट्रोवर्सी है जो कर रहे हैं ना मेरे खिलाफ, वो मेरे सामने बस आकर के बोले और फिर मैं उनको बताऊंगी। मैं चाहती हूँ वो मेरे पास आए, जो ये बोलते हैं गांठ का पैसा, फलाना ढिकाना, मुका ढमका, मैं पता क्या है, मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मारना चाहती, बट मुझे भी बहुत गंदा बोलना आता है, उनके कानों से खून निकल जाए ऐसे भी मैं बोल सकती, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मारना चाहती है ना। कि और वही लोग मेरे मेरे लोगों को कॉल लगाकर काम मांगते हैं, वही लोग मेरी बुराइयां करते हैं। मैं जा करके एक भी सिनेमा वाला मुझे बोल दे कि भारती वर्मा का कॉल आया है, मैंने ऐसा उनको बोला है कि आप मेरी फिल्म लगाइए, उनका तो काम नहीं हुआ है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये तो सरासर मतलब एक इल्जाम लगाने वाली बात हो गई है ना, कि मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो भैया आप मुंह उठा के कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब ये कहाँ का इंसाफ हो गया, क्या आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्या, है नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हैं आप लोग, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि एक औरत काम कर रही है आपके टक्कर में खड़ी होकर के बात कर रही है, तो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की टिप्पणियां करते हुए, इस तरह की बातें करते हुए, आपको तो कोई जानता भी नहीं है, आप महाभारत का सार, ये सार, वो सार उठा करके बात करते हैं। अरे पहले दो चार अक्षर पढ़ लिख तो लो, आप लोग पढ़ लिख लो, फिर शायद आप ना सवाल जवाब कर पाओ, है ना। आप जिस तरह से बातें कर रहे हो कि द्रौपदी ने ये किया, द्रौपदी के लिए महाभारत हुआ, द्रौपदी के लिए अंधा खुद नहीं चल पा रहा था तो द्रौपदी को तो हंसी आएगी ना, आप द्रौपदी को तो इल्जाम नहीं लगा सकते कि औरत की वजह से। आप प्रॉब्लम बताइए ना कि लड़ाई किस वजह से हुई, महाभारत किस वजह से छिड़ी, एक अंधा मूर्ख, उसका लालच था, माया, वो उस किसी के घर में, वो अपने घर को वो करना चाह रहा था, किसी के घर को हथियाना चाह रहा था, और उस लालच से वो अंदर घुसा और वो गिरा पानी की जगह, उसको ये नहीं पता चला कि यहाँ पानी नहीं है भाई, ये पानी की तरह दिख रहा है, और जहाँ पानी नहीं था वो खाली जमीन दिखा, तो वहां जाकर के गिर गया, तो द्रौपदी को तो हंसी आएगी ना, कोई मेरे सामने चल रहा तो वो तो हंसेगा ही ना। हाँ, तो फिर ये पहले तुम महाभारत, पहले ज्ञानियों, पहले महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, फिर मेरे से आकर के बात करो। और पहली बात ये है ताबिर भाई कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे बारे में बात कर सको, जितना तुम मेहनत महीने में काम नहीं करते हो ना, उतने का मैं कपड़ा एक बार पहन के फेंक देती हूँ, आई बात समझ में। और पैसे की जो तुम मुझे बता रहे हो ना, पैसे का ईगो इसलिए है क्योंकि भारती वर्मा खुद मेहनत की कमाई का कमाती है, पता है कितने काम करती हूँ मैं, कितना बिजनेस है मेरा, तुम्हारा क्या है, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, हु आर यू मिस्टर, तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देखती हूँ, बुला आ जाओ मेरे सामने, तुम ये क्या वीडियो के थ्रू बोल रहे हो, मैं तुम्हें खुला चैलेंज करती हूँ, आओ मेरे पास, अगर वाकई में तुम्हारे में दम है तो आओ मेरे पास, आओ और मेरे से डायरेक्टली बात करो। रही बात पिक्चर की, पिक्चर तो मैं 20 तारीख को लाऊंगी, जिसको जो करना हो कर ले मेरा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी 20 दिसंबर को पिक्चर आ रही है, जिसको लगाना है लगाए मेरे साथ, जिसको
जिसको नहीं लगाना है नहीं लगाए, दैट्स इट। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी के बारे में कुछ बोलती नहीं हूँ। और बोलते हैं ना वो, हाथी चले बीज बाजार, कुत्ते भोजे भोके हजार, तो ये वही वाला। मैं भेड़ चाल नहीं चलती, अकेली चलती हूँ मैं अकेली चलती हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है क्या मेरे आगे पीछे? मैं अकेली काम करती हूँ। तो वहां पर बिल में दुपक दुपक के जो बोल रहे हो ना, तुम्हारे में वाकई में अगर कलेजा है ना, तो मेरे सामने आकर के बोलो कि तुम्हारा ये तुमने ऐसा किया। स्टुपिड वाली तुम लोग बातें कर रहे हो, तुमको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मैंने पूरा प्लेटफॉर्म पर मैंने सारा कुछ सर्च कर डाल दिया है, सारा कुछ। मैं कैसे जाऊंगी 15 तारीख या 20 तारीख कैसे जाऊंगी? मेरा प्रोडक्ट है, मैं कभी भी ला सकती हूँ। किसी ने रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ नहीं रखा है, मेरा प्रोडक्ट मैं लाऊंगी, कभी भी लॉन्च करूंगी। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी भारती वर्मा की मर्जी है ये। अगर तुमको इतना है तो तुम आ जाओ मेरे सामने और मेरे पास सामने आकर के बात करो, वहां पर बैठ करके बातें मत करो। नॉनसेंस वाली बातें मुझे किसी की नहीं सुननी और मुझे किसी का पड़ा भी नहीं है। मैं अपने दम पे काम करती हूँ, अपनी मर्जी से काम करती हूँ। मेरी मर्जी की 20 तारीख को मुझे आना है, 20 दिसंबर को तो मैं आ रही हूँ। आपको जिसको जो करना है कर सकता है, खुली मार्केट है, ठीक है। मेरे सामने आकर के फालतू की बातें मत करिए।